burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो जी हाँ, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4, डिटरमिनेंट, क्लास 12th। आज हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट। इससे पहले आपने रीड किया मैट्रिक्स सिस्टम को, यानी कि मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, उसका सेकेंड पार्ट क्या है, डिटरमिनेंट सिस्टम। आज इसका वर्किंग रूल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि डिटरमिनेंट का मीनिंग क्या है और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या अंतर है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो मैट्रिक्स में एप्लीकेबल है, डिटरमिनेंट में एप्लीकेबल नहीं है, या फिर जो डिटरमिनेंट में एप्लीकेबल है और जो मैट्रिक्स में एप्लीकेबल नहीं है, दोनों का डिफरेंस करेंगे, मीनिंग देखते हैं आज का चैप्टर। तो 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही आसान प्रोसेस है इसकी, बहुत ही आसान वर्किंग रूल है। इसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, ये क्या है आपका, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे इसको हम, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिसका ऑर्डर 2x2, 3x3, 4x4 एक्सेट्रा इस टाइप का होता है। लेकिन 12th क्लास में जो आपका सिलेबस है वो 2x2 और 3x3 तक ही एप्लीकेबल है। इससे ज़्यादा आप हायर एजुकेशन के अंदर जब आप BSc, BA वगैरह आप करोगे तो आप वहाँ जा कर के nth ऑर्डर तक भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को सोल्व करना सीखोगे। तो क्या मीनिंग होता है डिटरमिनेंट का, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, क्या इसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, किसी भी डिटरमिनेंट को आप लिख सकते हो DET, डेट, इसको आप लिख सकते हो डेल, इसको आप लिख सकते हो ए का डिटरमिनेंट। ये तीनों ही रिप्रेजेंटेशन किसकी है, डिटरमिनेंट की है। किसकी रिप्रेजेंटेशन है, डिटरमिनेंट की। मैट्रिक्स में आप क्लोज ब्रैकेट यूज़ करते थे, डिटरमिनेंट में आप मॉडुलस सिस्टम का यूज़ करोगे, यानी इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है जी। ये इसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम बाह्य तौर पर पहचान कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी वर्किंग रूल, क्या इसका वर्किंग रूल है, क्या इसका सोल्यूशन है, ठीक है जी। एक बार देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, ताकि आपको पहले से आइडिया मिले कि इस पूरी एक्सरसाइज में प्रोसेस क्या होने वाली है, क्या इसके अंदर हम कोशिश करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे 2, 3, 4, 5, ठीक है जी, आपको ये बताया गया है कि डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑर्डर मिलेगा, या तो 2x2 मिलेगा, 3x3 मिलेगा। इसको सोल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल में किसका साइन लगाओगे आप, माइनस का। तो क्या करोगे इसको, 10 माइनस में 12, कितना आंसर आएगा, माइनस का 2। क्या आएगा इसका आंसर, माइनस के 2। एक बात और आप पूछ सकते हैं, सर क्या किसी डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, किसी भी डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ सकता है, 0। अगर किसी डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट निकालते हैं और उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, तो उसको बोल सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, या उसको वैनिक्स बोल सकते हैं, कि कोई भी डिटरमिनेंट या कोई भी मैट्रिक्स आपकी वैनिस तब होगी जब उसका डिटरमिनेंट यानी उसका सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करेंगे वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये वाला वर्किंग रूल आज चलने वाला है, लेकिन उससे पहले डिफरेंस करेंगे डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के अंदर कि मेन डिफरेंस क्या क्या है। तो एक बार बात करते हैं डिफरेंस की, डिफरेंस यहां अगर हम बात करें मैट्रिक्स और यहां बात करें किसकी, डिटरमिनेंट की, ठीक है जी। तो फर्स्ट डिफरेंस रहेगा इसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन का, यानी किसी भी मैट्रिक्स को क्लोज ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, बंद करते हैं। डिटरमिनेंट में किससे डिनोट करते हैं, मॉडुलस से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। सेकंड मेन डिफरेंस है मैट्रिक्स के अंदर, एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर आपका हो सकता है, दैट इज एग्जांपल के तौर पे 1x3, 2x2, 2x3, 3x3, 3x4, एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर आपका मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर हो सकता है। इसके अंदर क्या होगा, ओनली
स्केयर मैट्रिक्स ऑर्डर, ठीक है जी, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका, दैट इज एग्जांपल के तौर पर अगर आप बात करोगे तो 2x2, 3x3, 4x4, दैट इज इस टाइप का आपका ऑर्डर इसके अंदर रहेगा, ठीक है जी। अभी बात करते हैं इसके वर्किंग रूल की कि किस प्रकार से हम 2x2 और 3x3 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। बहुत ईजी है, 2x2 का वैसे तो आप एक देख चुके हैं, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके दो चार क्वेश्चन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और जो भी आपकी दिक्कतें आप ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर, कुछ क्वेश्चन करेंगे वेरिएबल वैल्यू के ऊपर, कुछ क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ठीक है जी। तीन टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तीनों समझने की कोशिश करेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको कोई क्वेश्चन फाइंड आउट करना है जिसके अंदर 3 माइनस का 2, 4 और 6, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। 2x2 की अगर बात करें तो इसको कैसे फाइंड आउट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना रहेगा ये 18, माइनस में कितना रहेगा, ये प्रोसेस का माइनस है और ये मल्टीप्लाई का माइनस है, तो कितना रहेगा, ठीक है जी। ये कैसा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आपके पास कोई और क्वेश्चन हो सकता है, डिटरमिनेंट आपको फाइंड आउट करना है इधर x2 + 1, 3x - 2, ठीक है, x और 4x - 6, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें भी क्या करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, x2 + 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 4x - 6, माइनस में x की मल्टीप्लाई किससे करोगे, क्या इसको ओपन कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्या देगा ये, कोस थीटा साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, कोई और वैल्यू भी इसके अंदर दे सकता है। तो कैसे सोल्व करेंगे इनको, ये क्या रहेगा आपका, कोस स्क्वायर माइनस में, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के साइन स्क्वायर, आप इसको सोल्व करोगे कोस स्क्वायर प्लस, क्या आंसर रहेगा आपका, कोई दिक्कत किसी को हो जाएगा। दीज आर द नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर वर्किंग रूल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो आप नॉर्मली वर्किंग रूल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। वैसे डिटरमिनेंट के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर कुछ ऑपरेशन लगाए जाते हैं जो आप इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि नेक्स्ट पार्ट में सीखोगे कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। लेकिन अभी हम सिर्फ दो चार प्रॉपर्टी करेंगे जो एक बार इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है, उसके बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी 7 to 8 प्रॉपर्टीज़ है वो सारी की सारी हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। क्योंकि वरना दिक्कत ये होगी कि मैं अगर आपको 8 की 8 प्रॉपर्टी एक साथ बता दूं और उनके क्वेश्चन करें ही ना, तो हम क्या करेंगे, उसको भूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद। यानी कि प्रॉपर्टीज़ को साथ में क्वेश्चन के साथ पढ़ना ज़रूरी है ताकि उनकी प्रैक्टिस भी एक साथ हो। तो एक बार काम करते हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की किसी डिटरमिनेंट के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको पहले भी बताया था जब आप चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिक्स सिस्टम को आप रीड कर रहे थे कि उस टाइम भी आपको ये बातें बताई गई थी। क्या बताया गया था कि किसी भी सिस्टम से हम किसी भी मैट्रिक्स की क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट के अंदर क्या प्रोसेस रहेगी, तो यहाँ बात करते हैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की। मैट्रिक्स के अंदर या मैट्रिक्स को किसी बाहर की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, अंदर से कॉमन ले सकते थे, याद है आपको कुछ ऐसा। दोनों में डिफरेंस ये भी है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 3, 2, 4, 1 और आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो मैट्रिक्स का कंसेप्ट ये था कि जब आप किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके प्रत्येक एलिमेंट की मल्टीप्लाई करोगे, यही बताया था आपको। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, ये 6, 4, 8 और 2, ठीक है जी। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे होती, यही चीज़ ऐसा होता 3, 2, 4, 1 और आप इसकी मल्टीप्लाई करना चाहते, तो आपके ऊपर एक कंडीशन लगेगी, एक पाबंदी लगेगी, ठीक है जी। देखो मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में क्या अलाउडेशन है, वो ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको उसकी मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट से करनी पड़ेगी, या आप किसी एक रो या पर्सनल किसी कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन डिटरमिनेंट में आपको ऐसी छूट मिलेगी, आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते तो साथ में डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर आपने यहाँ नहीं किया, हमने यहाँ क्यों नहीं किया, पता है
क्योंकि हमने मल्टीप्लाई साथ में लेफ्ट साइड में भी किया है। अगर हम यहाँ इसकी बजाय ऐसा करते 2 से मल्टीप्लाई तो साथ में 2 डिवाइड में भी लिखते और उस 2 को 1/2 ऐसा रखते, समझ गए जी। तो वैसे ही इसका सिस्टम है आपका कि जब आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिवाइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी ये है, अगर आप किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को अंदर लेके जाना चाहते हो तो आप इसकी मल्टीप्लाई, आपके पास 4 चॉइस है, 2x2 में कितनी चॉइस आपके पास, 4 चॉइस। आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर सेकेंड को, फर्स्ट कॉलम को या सेकेंड कॉलम को, लेकिन इसको लेके जाओगे एक ही बार, समझ गए जी। यानी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो किसी एक के साथ ही मल्टीप्लाई ऐसा करना पड़ेगा। अगर इसको वापस सोल्व करने की बात करें, ठीक है जी, इसको वापस आपको समझाने का एक और प्रयास करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई एक रो में करते हैं वैसे ही एक रो या एक कॉलम में से हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर यही क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता, अगर ये डिटरमिनेंट है, अगर ये मैट्रिक्स है, अगर क्या है ये मैट्रिक्स, अगर मुझे अंदर से कोई वैल्यू कॉमन लेनी है तो मैट्रिक्स के अंदर सभी के अंदर से कॉमन आएगी, समझ गए जी। लेकिन अगर यही डिटरमिनेंट होता, यही क्या होता, डिटरमिनेंट होता 6, 4, 8 और 2 और आप इसमें से कॉमन लेना चाहते तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हो। यानी कि अगर आप इसमें से कॉमन लेना चाहते हो तो 2 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, 3, और ये आपका वैसा का वैसा रहेगा। अब आप इसमें से भी कॉमन ले सकते हो तो 2 × में क्या आएगा, 2, समझ गए जी। यानी कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर जितनी भी रो है उन सभी रो के अंदर से, 3 रो है तो तीनों के अंदर से अलग अलग वैल्यू को कॉमन लिया जा सकता है। एक और कंडीशन, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर बाई चांस इसमें से 2 कॉमन आता और इसमें से 3 कॉमन आता होता तो हम यहाँ क्या लिखते, 2 और 3, और बाद में अगर उसको अंदर लेके जाते तो हमें याद कैसे रहता कि हमने कहाँ से कॉमन लिया है, तो उसकी भी आपके पास परमिशन है। यानी कि अगर आपने 2 यहाँ कॉमन ले लिया, 3 ले लिया, उस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली से कर सकते हो और 2 की मल्टीप्लाई नीचे वाली से, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई एक ही बार कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि रो की मल्टीप्लाई करनी। अभी आप क्या कर सकते हो, इस 2 की मल्टीप्लाई इस कॉलम से और इस 2 की मल्टीप्लाई इस कॉलम से भी कर सकते हैं, समझ गए जी। तो ये दोनों में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या है, डिफरेंस है। क्या है ये डिफरेंस, तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको प्रूफ करने, अभी समझने की कोशिश करेंगे हम। एक प्रॉपर्टी इसके अंदर है, एक रिजल्ट है, अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका बाद में क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट, तो वो किसके बराबर होगा, वो ए का डिटरमिनेंट इनटू में के बराबर होगा और के की पावर क्या रहेगी, एन। के की पावर क्या रहेगी, एन, का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ऑर्डर समझते हो भाई, 2x2 है तो इसकी के की पावर 2 रहेगी और 3x3 तो क्या रहेगी, 3 रहेगी। समझने का प्रयास करते हैं, आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप का मिल सकता है कि हम 2 से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आंसर क्या रहेगा, ए का डिटरमिनेंट, और 2 की पावर अगर 2x2 का तो 2 की पावर 2 रहेगी, यानी आंसर क्या रहेगा, 4 × a का डिटरमिनेंट। इसका प्रूफ करवाते हैं क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है जी। एक क्वेश्चन अपने पास बाई चांस, एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 2, ठीक है जी। हमें ये प्रूफ करना कि ये आंसर इसके बराबर आएगा, तो पहले क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, ये 2, 4, 6, 4 ऐसा बनेगा भाई। Yes. इसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि लेफ्ट हैंड साइड हम फाइंड आउट कर सके, तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई रहेगी, 8 − 24 ये रहेगा, 8 − 24 कितना आंसर आएगा, ये माइनस के 16, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट में क्या करना है, ए का ट्रीटमेंट निकालना है, यानी कि पहले इसका ट्रीटमेंट निकालेंगे, ट्रीटमेंट साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ट्रीटमेंट कैसे निकलेगा, 2 − 6 कितना आएगा, ये अब राइट हैंड साइड है क्या अपने पास, राइट हैंड साइड है अपने पास 4 में ए का ट्रीटमेंट, 4 − −4 कितना आंसर आएगा, −16, समझ गए जी। तो यही क्वेश्चन आपको कैसा मिल सकता है, 3x3 का भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है आपको, ये उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें ऐसा प्रूफ करने को मिलेगा आपको, 3 × a का ट्रीटमेंट इक्वल टू होगा a का ट्रीटमेंट, अगर वो 3x3 का है तो इसकी पावर कितनी रहेगी, 3, यानी कि इसके बराबर होगा ये 27 × a का डिटरमिनेंट। लेकिन फिर वो डिटरमिनेंट भी क्या मिलेगा आपको, 3x3 का, अगर ये 2x2 का होता तो 3 की पावर 2 बनती, यहाँ कितना आता, 9 आता, समझ गए जी। तो इस प्रकार के ये रिजल्ट है जिनको हमें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अभी ये बात किसकी की, हमने सिर्फ 2x2 की, अभी बात करेंगे 3x3 की, यानी कि 3x3 का ट्रीटमेंट कैसे सोल्व करते हैं।
फिर उसकी एप्लीकेशन क्या रहेगी? उसकी एप्लीकेशन रहेगी आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में। किस में रहेगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में। तो पहले एक बार करते हैं 3x3 के आंसर निकालते हैं, फिर बाद में हम एक अलग से एक्सरसाइज करेंगे, अलग से पार्ट बनाएंगे किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर तीन पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना, या फिर कोई पॉइंट गिवन होगा, या फिर किसी वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि आपके लगभग 10 के करीब क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, एक और बात करते हैं 3x3 की, किसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या उसका वर्किंग रूल है। तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कोई भी, फिर उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको कोई डिटरमिनेंट गिवन है, फाइंड आउट करना है 132, 321, 512, कुछ भी, कोई भी ऐसा अपने पास क्या है कि डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अगर आपके पास, आप ये बोल सकते हैं सर आपने डिटरमिनेंट निकाल दिया हमने 2x2 का, उसको कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सपेंड करना। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंड करना। जब हम सोल्यूशन निकालते हैं डिटरमिनेंट का, इसे बोलते हैं एक्सपेंड द डिटरमिनेंट। तो किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का कितने मेथड हो सकते हैं? ठीक है जी, जितनी उसकी रो और जितने उसके कॉलम हो उनको प्लस कर दीजिए। ठीक है जी, अगर आपके पास टू रो है और टू कॉलम है तो 2+2 कितना हो गया? 4। यानी किसी भी डिटरमिनेंट का आंसर निकालने का अपने पास कितने मेथड होंगे? 4। लेकिन अगर आपके पास कितना है 3x3 का, ये कितने का है? 3x3 का, तो 3+3 का कितना होगा? 6। यानी इसका डिटरमिनेंट हम 6 टाइप से निकाल सकते हैं, और 6 के 6 तरीके से इसका आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। एक्सपेंड करना बोलते हैं इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R2, R3 या C1, C2 या C3। ठीक है जी, आपके साइन चलेंगे कैसे? इस पोजीशन पे आता प्लस, उसके बाद सारे साइन क्या चलते हैं? अल्टरनेट साइन चलते हैं, यानी कि चेंज हो गए। ये प्लस है तो अगला क्या रहेगा? माइनस। अगला क्या रहेगा? अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करूँगा इसको तो ये प्लस है, ये क्या रहेगा? माइनस। और ये क्या रहेगा? अगर मैं यहाँ से बात करूँ माइनस, फिर क्या रहेगा? प्लस, फिर क्या रहेगा? माइनस। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो प्लस, माइनस और प्लस। अगर मैं यहाँ से एक्सपेंड करूँगा तो माइनस, प्लस और माइनस। यहाँ से करूँगा तो प्लस, माइनस और प्लस। इस पोजीशन से, फर्स्ट पोजीशन से जो इवन पोजीशन होती है, उस पोजीशन को प्लस के साइन के साथ सोल्व करते हैं। आप बोलोगे सर इवन पोजीशन कैसे? तो फर्स्ट पोजीशन है, अगर आप इसको, अगर आपने मैट्रिक्स की वीडियो देखी है तो आप इसको बता सकते हैं ये आपकी इवन पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? 1, 1। कौन सी पोजीशन है ये? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। 1+1 करो तो क्या बनेगा? समझ गए जी। ये कौन सी पोजीशन है? 1, 2। फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम। तो 1+2 करो तो 3। समझ गए जी। तो एक बार इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना सीखते हैं, फिर आपको फर्स्ट कॉलम से, उसी प्रकार से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को 3 बार मैं आपको करवाऊंगा, 3 तरीके से, 2 रो से 2 कॉलम से, इस टाइप से, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है जी, तो एक्सपेंड कहाँ से करेंगे? जहाँ से एक्सपेंड करना आसान होगा। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको? इसका तरीका रहेगा, अगर आप इसको लिखते हो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 1 के साथ प्लस का साइन। इसके ऊपर क्या करोगे आप? इसके यहाँ से आप देखोगे, इसके सामने वाली चीज़ें छोड़ दोगे, यानी कि रो भी छोड़ दोगे और कॉलम भी। तो इसको भी छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया, जो बचेगा उसको 2x2 के सोल्व करेंगे। क्या रहेगा ये? 4 - 1। ठीक है जी, इसके साथ साइन किसका रहेगा? माइनस का, माइनस का 3 × 2 में। अगर ये माइनस होता तो ये माइनस माइनस क्या बन जाता? प्लस। यहाँ से इसके सामने वाली टर्म को छोड़ दोगे, इधर भी छोड़ दोगे, ये कितना बनेगा? 6 - 5। ठीक है जी, फिर इसको सोल्व करेंगे, प्लस का 2 × 2 में, ये छोड़ दिया रो, ये कॉलम छोड़ दिया, कितना बनेगा ये? 3 - 10। ठीक है जी, ये कितना रहेगा? 3 - 3 × 1, प्लस का 2 × -7, कितना आंसर आएगा ये? 3 - 3 - 14, ये कैंसिल आउट, कितना आंसर आएगा ये? ये कहाँ से एक्सपेंड किया हमने? R1 से। इसी को C1 से एक्सपेंड करते हैं, कहाँ से एक्सपेंड करते हैं? आंसर निकालते हैं जी, क्या रहेगा? प्लस का 1 × 2 में, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम, ये 4 - 1 करोगे। ठीक है जी, इसके बाद क्या रहेगा? माइनस का 3, क्या रहेगा ये? तो यहाँ से रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, 6 - 2 कितना रहेगा? फिर क्या रहेगा? प्लस के 5, क्या रहेगा ये? तो यहाँ से क्या छोड़ दोगे? इस रो को छोड़ दोगे, इस कॉलम को, 3 - 4 कितना रहेगा? ये क्या रहेगा? 3, यहाँ से 4, माइनस के 12। ठीक है जी, ये कितना रहेगा? माइनस के 5। समझ गए?
कितना आंसर आएगा ये 17 में से 3 करोगे तो माइनस के 14, ठीक है जी। ये हमने कहाँ से एक्सपेंड किया, R1 से, ये कहाँ से एक्सपेंड किया, अभी बात करते हैं जी, यहाँ से एक्सपेंड करते हैं हम, माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, समझ गए। कहाँ से एक्सपेंड करेंगे हम, R2 से, कहाँ से एक्सपेंड करेंगे, तो क्या रहेगा ये माइनस का 3 इंटू में, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम, कितना बनेगा 6 माइनस 2, फिर इसको लेके चलेंगे प्लस का 2, यहाँ से क्या करोगे इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को, क्या रहेगा ये 2 माइनस 10, फिर क्या रहेगा ये माइनस का 1, यहाँ पे खड़े होकर के इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 माइनस 15, क्या रहेगा ये 1 माइनस 15, तो कितना आंसर आएगा ये माइनस का 3 इंटू में 4, 2 इंटू में -8, माइनस का 1 इंटू में -14, तो कितना रहेगा माइनस के 12, माइनस के 16 और प्लस के, ठीक है जी, ये कितने बनेंगे 28 में से 14 माइनस करो तो माइनस का, तो सभी से आंसर क्या आता है सेम आता है, सभी से आंसर क्या आता है आपका सेम। तो समझने में कोई दिक्कत किसी को, किसी भी डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो अगर अगर आपका डिटरमिनेंट क्या जाता है 0, क्या जाता है, तो ये नोट करने वाली बात है, आप उस मैट्रिक्स को लिख सकते हो सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या लिख सकते हो सिंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका सॉल्यूशन क्या आ जाता है 0। अगर बीच में कहीं ना कहीं कोई एक्स दे दिया और साथ में बोल दिया कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एक्स की वैल्यू निकालो, तो क्या करेंगे इसको इक्वल टू, यानी कहीं ना कहीं एक्स बचेगा और उस पूरे सिस्टम को किसके बराबर लेके चलोगे आप, तो वहाँ से हम लेफ्ट राइट सोल्व करके जैसे आप 10th क्लास तक करते थे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पी है तो पी की वैल्यू, लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यू, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो में एक ही टॉपिक करवाया गया था कि आप 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, कैसे उसका सोल्यूशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।